आपने देखा कैसे? लाइव देखा मैंने, लाइव देखा था। तो किसकी गलती लगी आप बेसिकली, पता क्या बता रहे हैं? उस जगह पे स्पॉट है, वहाँ पे अंकल को टक्कर लगी थी, टक्कर लग के उसकी बाइक इधर आई, बाइक इधर आई, इधर आगे इसमें नाले में लगी बाइक, और जो जट प्रभ जो था वो इधर से निकलता हुआ पहले इस पोल में लगा, फिर वो जो लोकेशन है ना वहाँ पे गिरा जाके। ये वही शख्स है जो आपने वीडियोस में देखा होगा, इन्होंने प्रभजोत भाई की भी बहुत मदद की है, पट्टी वगैरह बांधने में, उसको उठाने में, एम्बुलेंस में बिठाने पे उसकी पूरी मदद की है प्रभजोत भाई की भी, और जो अंकल जिनकी डेथ हुई थी 79 ईयर ओल्ड जिनकी यही थी उनकी भी इन्होंने हेल्प की है। तो दोनों की वीडियो में आप इनको देख सकते हैं। तो फाइनली मैं उस लोकेशन में पहुंच चुका हुआ हूं, ऐसे ही कोई लोकेशन है, ऐसे आप नाले देख सकते हैं, उधर भी दिखाओ एक बार। तो ऐसे ही कोई नाले थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अभी यहाँ पे लोकल लोगों से पूछते हैं, ये दादी का एरिया है, तो ये हमारे साथ कुछ लोकल बंदे हैं। तो भाई आप इधर ही एरिया के रहने वाले हो? यहाँ पे ना कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, कोई यूट्यूबर था लड़का, तो किस जगह पे हुआ था एक्सीडेंट? कोई नॉर्मली ओल्ड मैन जैसे 79 के थे, वो नॉर्मली क्रॉस कर रहे थे उस टाइम में, आपका अच्छा वहाँ पर स्पीड में जो बाइक है उनका तो आवाज ही आ रहा था, जो बाइक था उनका उनका यहीं से आवाज आ रहा था। अच्छा आवाज आ रहा था अचानक वहाँ पर क्रॉसिंग था, क्रॉसिंग लाइन थोड़ा आगे वहाँ पर आपको टक्कर लगी वहाँ पर। तो फाइनली मैंने उनसे सारा पूछ लिया कि लोकेशन कहाँ पे है, तो अभी जल्दी से चलते हैं हम लोकेशन की तरफ, और यहाँ से आगे जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। क्या भी रहा होगा, कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा, थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं, चेक करते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा क्या बात, सब्सक्राइबर। तो ये भाई हमें मिले हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेरे ये थोड़ा ना हिंदी क्लियर नहीं बोल रहे, तो थोड़ा सा ना इनको बताने में प्रॉब्लम हुई, लगा कि शायद ये वैसे प्रभजोत के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मुझे मोबाइल खोल के दिखाया तो मुझे बताया कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं कि सारा कि मैं प्रभजोत भाई के लिए थोड़ा कर रहा हूँ। तो बहुत खुशी हुई कि भाई नेपाल से लोग भी हमें देखते हैं, तो बहुत खुशी हुई भाई से मिलके। तो फाइनली यहाँ पे हमारे बहुत सारे हमें सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, तो लोग पहचानते हैं नेपाल पे मुझे, बहुत मुझे खुशी हो रही है। और अभी इन्होंने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, ऐसा ही कोई नाला होगा यहाँ पे बाइक लगी थी, ऐसा ही कोई नाला होगा। अभी उन्होंने बताया आगे वो जेब्रा क्रॉसिंग है, उसके पास ही कहीं जगह पे हुआ। वो देखिए ना, वो यहाँ पर है, वो एक्टिव है ना, बाइक यहाँ पर मानसी वहाँ पर है, वहाँ पर लेकिन वहाँ पर कुत्ता यहाँ से गया, कुत्ता यहाँ से गया, अच्छा यहाँ से हमारे पास ही वीडियो है, उसका वीडियो है, उसका बढ़िया है, मैंने उधार किया और दूसरा अभी का है ना, और फिर आया था हमने, आपने देखा कैसे? लाइव देखा मैंने, लाइव देखा था। तो किसकी गलती लगी आपको? बाइक बहुत स्पीड है, वो बुरा आदमी है ना, वो वहाँ से पार करना है, वो
पांच से चल गए उसमें पांच से, क्योंकि वो फिर सेंट्रल लाइन में आते गए थे ना, सेंट्रल लाइन में वहाँ से तो बाइक आके पकड़ दिया बुरा, उधर डाल दिया बाइक इधर आ गया। अच्छा, वो लड़का उधर गया वो लड़का वहाँ पर अच्छा बस के ये पोल में दोनों घुटक है, एक पोल में दोनों घुटक दोनों जो टांगे इसमें लगी, हाँ इसमें लगी यार। अच्छा, दोनों टाव को बस गया उसका है ना, जू बड़ी है ना। बेसिकली पता क्या बता रहे हैं, उस जगह पे स्पॉट है, वहाँ पे अंकल को टक्कर लगी थी, टक्कर लग के उसकी बाइक इधर आई, बाइक इधर आई, इधर आके इसमें नाले में लगी बाइक, और जो जट प्रभ जो था वो इधर से निकलता हुआ पहले इस पोल में लगा, फिर वो जो लोकेशन है ना वहाँ पे गिरा जा गया। ये आप लोकेशन दे रहे हो, वो वहाँ से टक्कर लगी, इधर बाइक आई इतनी तेजी से उछलता उछलता इधर आया भाई। तो ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, दोनों टांगे बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी, और जो अंकल की थे वो तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा लेके गए आगे हॉस्पिटल में, रास्ते में उनकी डेथ होगी। इन्होंने देखा, इनके बाद वीडियो भी पड़ी है, इन्होंने लाइव एक्सीडेंट देखा, इन्होंने अभी सारा बताया कि कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ है, एग्जैक्ट सारा भी बताया उधर। तो ये अभी आप लोकेशन देख सकते हैं, अभी जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ये जो जगह है इसके पीछे की बिल्डिंग्स आप ध्यान से देख लीजिए, पीछे वाली बिल्डिंग्स हैं इस वीडियो में। तो अभी आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये देखिए ये वही सारी बिल्डिंग्स हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर ये सारा कुछ हुआ है, और ये इसकी सारी जो वीडियो बनी हुई है तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बिल्कुल सही जगह पर हम पहुँचे हैं, और पीछे वही सेम की सेम बिल्डिंग्स हैं। और ये जो आपको ब्लू टी शर्ट में दिख रहे हैं अंकल, तो ये वही हैं जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने ट्रैक सूट डाला हुआ है, तो मैं उनका चेहरा दिखाता हूँ आपको। तो इन्होंने ही सारी आप देख सकते हैं पट्टी वगैरह की है, तो ये पट्टी करते हुए थे प्रभजोत के, पट्टी कर रहे हैं। तो अभी आपको इनका फेस दिखाता हूँ, तो ये वही हैं जिन्होंने सारी हेल्प की है, ये इनका फेस भी देख सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है भाई इसमें, तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपना काम छोड़ के सारा कुछ छोड़ के लोगों की मदद करने के लिए आते हैं, ज़्यादातर लोग तो इग्नोर कर देते हैं। और इन्होंने जो अंकल थे 79 ईयर ओल्ड, उन्हें भी उठाया है, उन्हें भी उठा के स्ट्रेचर पे डाला, और आप देख सकते हैं कि उनकी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो ये मेरे हिसाब से सल्यूट है भाई ऐसे बंदों, दोनों बंदों की इन्होंने हेल्प की है, प्रभजोत की भी की है और अंकल की भी हेल्प की है इन्होंने। और ये अभी इसकी बाइक प्रभजोत की ये इधर लगी है, ये वही नाला है उधर का साइड वाला, जूम करके दिखाता हूँ। तो ये नाले पे लगी थी आगे सीधी बाइक। ये एक बहुत अच्छे इंसान है, अभी भी मैं इनसे मिला तो पहले मुझे इन्होंने सारा बताया जो कुछ भी हुआ है। तो ये वही शख्स है जो आपने वीडियोस में देखा होगा, इन्होंने प्रभजोत भाई की भी बहुत मदद की है, पट्टी वगैरह बांधने में, उसको उठाने में, एम्बुलेंस में बिठाने पे उसकी पूरी मदद की है प्रभजोत भाई की भी। और जो अंकल जिनकी डेथ हुई थी 79 ईयर ओल्ड जिनकी यही थी, उनकी भी इन्होंने हेल्प की है। तो दोनों की वीडियो में आप इनको देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसे बंदे बहुत हर मैं कहता हूँ हर जगह पे ऐसे बंदे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि मदद नहीं करते। तो अगर ये टाइम पे जाके पट्टी वगैरह ना करते या ज़्यादा देर हो जाती तो कुछ और ज़्यादा सीरियस भी हो सकता था। लेकिन हमें बहुत दुख है कि जो अंकल हैं वो नहीं बच पाए, उनका कह रहे हैं कि रास्ते में ही उनका डेथ हो गया था। ये बता रहे थे उनके कि कान कौन से भी ब्लड निकल रहा था, कुछ कान से वो कान की ब्लॉड सब निकाल दिया, तुरंत हॉस्पिटल इस पर लेकर हॉस्पिटल जाएगा साथ लेकर, है ना। तो रास्ते में उनकी डेथ होगी, फिर हॉस्पिटल ले जाते हॉस्पिटल भी वो नहीं, वो लास्ट पोजिशन में वो आदमी लास्ट पोजिशन में है ना। अच्छा, वैसे ही लास्ट पोजिशन में ही थे वो घर घर सांस सांस पर सांस लिए बहुत अच्छा, मतलब कि सांस भी उनकी रुक रही थी, बहुत मुश्किल से सांस ले रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि इसी जगह पे ही वैसे उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, तो थोड़े बहुत सांस बची थी उनकी, तो वो रास्ते में वो उनके जो प्राण थे वो निकल गए। तो ये इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, ये उनके बेटे हैं जो जिन्होंने सर ने सारी मदद की है, तो ये उनके बेटे हैं, तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया हुआ है। तो फाइनली ये थी लोकेशन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी मैं जाऊँगा पुलिस स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन की वीडियो का मैं श्योर नहीं कहता आपको दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो पुलिस स्टेशन में बातचीत होती वो आपको बता दूंगा। अगर वहाँ पे वीडियो शूट करने की परमिशन दी गई तो वीडियो शूट शूट करूंगा। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे पुलिस स्टेशन है आगे जाके, और ये लास्ट बार आप जगह देख लीजिए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था सारा।
तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सीधा मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, जहाँ पे प्रभजोत भाई की बाइक वगैरह खड़ी हुई है, और पुलिस वालों से थोड़ी केस के रिलेटेड बात करते हैं। तो सीधा चलते हैं उधर, अगली वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा।